यूपी के जनपद बुलंदशहर में स्वाट टीम और देहात पुलिस ने 6 डकैतों को गिरफ्तार करते हुए अंतर जनपदीय डकैत गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इन डकैतों को गिरफ्तार करते हुए बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ में डकैतों द्वारा दी गई करीब आधा दर्जन डकैती की वारदातों का भी खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो घर का दरवाजा खुला देख कर ये डकैत घर में धावा बोल दिया करते थे, जबकि परिवार को बंधक बनाकर डकैत पल भर में वारदात को अंजाम दे डालते थे। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए डकैत यमुनापुरम कॉलोनी समेत जनपद में हुई डकैती की 2 वारदातों में भी शामिल थे। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए गैंग के सरगना आसिफ पर करीब 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने डकैतों के कब्जे से नकदी, स्कॉर्पियो, 3 चाकू, 1 तमंचा और डकैती के दौरान लूटा गया सामान भी बरामद किया है। फिलहाल बुलंदशहर की कोतवाली देहात और स्वाट टीम ने पकड़े गए डकैत को उसके सही ठिकाने यानी सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए, 6 सदस्यीय सातिर डकैत किस्म के अपराधी हैं, जिनकी बीती रात गिरफ्तारी की गई है और ये बहुत ही सातिर किस्म के हैं। इनका गैंग लीडर आसिफ गाजियाबाद का रहने वाला है, जो थाना मसूरी के मुगल गार्डन कॉलोनी में वर्तमान में रह रहा है। 14 मुकदमे इसके विरुद्ध डकैती और गंभीर धाराओं के पूर्व से दर्ज रहे हैं और इस गैंग में कुल 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बागपत के हैं, 1 खुर्जा देहात बुलंदशहर का है, 1 मेरठ का है और आसिफ गाजियाबाद का है। उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा पिछले 1 माह के भीतर 2 घटनाएँ थाना कोतवाली देहात के यमुनापुरम कॉलोनी में कारित की गई थी। ये खुला मकान देखकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जो लोग अंदर हैं उन्हें हथियारों के बल पर आतंकित कर जो कुछ मिल जाता है लूटपाट लेते हैं। यद्यपि दोनों घटनाएं जो हमारे यहाँ हुई थी उनमें जो माल गया था उस कम मात्रा में था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने अलीगढ़ में 2 डकैती की घटनाएँ अभी की हैं, हापुड़ में 1, मेरठ में 1, तो इस तरह से अंतर जनपदीय स्तर पर ये बहुत ही सक्रिय होकर के आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इनके कब्जे से असलहे बरामद हुए हैं और कैश बरामद हुआ है, तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और पुलिस टीम जिसने इनको गिरफ्तार किया है उसमें हमारी स्वाट टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। महीनों तक तमाम तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लेते हुए इस गैंग का अनावरण करना, गैंग के पास एक स्कॉर्पियो है, उसी में बैठ के जाते हैं, अच्छी कॉलोनियों में प्रवेश करते हैं और जहां इन्हें लगता है कि कोई घर खुला है या कमज़ोर किस्म के लोग दिखाई देते हैं फिजिकली, घर में घुस के अंदर से दरवाजे बंद कर वारदात कर चंपत हो जाते हैं। सर, ये कुछ पता चला कि इन 6 के 6 लोगों का कैसे गठजोड़ बना? ये एक्चुअली पूर्व में जेलों में बंद रहे थे, तो उसमें जेलों में बंद रहने के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों से आपस में संपर्क हुआ, फिर इनका एक अपना गैंग बन गया है और ये गैंग मुरादाबाद तक डकैती की घटनाएं डालता रहा है। 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि स्वाट टीम को प्रदान की गई। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।